नमस्कार, भारत के पहले डिजिटल मोबाइल न्यूज चैनल मेट्रो टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं अनामिका। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइन से। बीजेपी पर जमकर बरसे सिद्धू, कहा मेरे लिए पंजाब सबसे ऊपर, मोदी लहर ने विरोधियों के साथ मुझे भी डुबो दिया, भावी रणनीति पर नहीं खोले पत्ते। आम आदमी पार्टी ने पीएम मोदी के खिलाफ खोला मोर्चा, पार्टी प्रवक्ता आशुतोष ने पीएम को बताया गंदी राजनीति का सर्वसर्वा, कहा चाहे तो केजरीवाल को कर ले अरेस्ट। जेल जाने से बचे सलमान खान, काला हिरन और चिंकारा शिकार मामले में हाईकोर्ट से बरी, बिश्नोई समाज सुप्रीम कोर्ट में फैसले को देगा चुनौती। रियो ओलंपिक में भारतीय उम्मीदों को एक और बड़ा झटका, नरसिंह के रूममेट संदीप भी डोप टेस्ट में फेल, बचाव में सामने आया भारतीय कुश्ती महासंघ, पहलवानों ने की सीबीआई जांच की मांग। और सावन के पहले सोमवार पर शिवालयों में उमड़ा आस्था का जनसैलाब, उज्जैन में महाकाल की हुई भस्म आरती, वाराणसी के बाबा काशी विश्वनाथ मंदिर में बम बम भोले की गूंज। दिल्ली के जंतर मंतर पर देश भर में हो रहे दलितों के अत्याचार को लेकर दलित शोषित मुक्त मंच ने धरना दिया। धरना में लेफ्ट नेता वृंदा करात भी शामिल हुई। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने इस मामले पर चुप्पी साध रखी है, साथ ही यूपी बीजेपी के पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष दयाशंकर पर कार्रवाई की मांग की। गुजरात के संबंध में मुख्य मांग है गो रक्षक समिति, जो भक्षक है, इंसानों के भक्षक के काम कर रहे हैं, तुरंत उनके ऊपर पाबंदी लगना चाहिए। और यहाँ जो केस हुआ है उस गांव में जहाँ मैं खुद गई थी, वहाँ इन्वेस्टिगेशन बिल्कुल संतुष्ट परिवार ने, वो कहते हैं कि वो डाइल्यूट कर रहे हैं, कमजोर कर रहे हैं, इसलिए तुरंत जितने भी वो 35 लोग इन्वॉल्व थे उन सबको गिरफ्तार करना चाहिए, मुआवजा मिलना चाहिए और फास्ट ट्रैक कोर्ट में इसको जो कानून में कहते हैं। मैम, उत्तर प्रदेश में भी सियासत गरमाई हुई है, पूर्व मुख्यमंत्री मायावती जी को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव, प्रदेश उपाध्यक्ष की जो टिप्पणी थी, उसके बावजूद दोनों तरफ से बात की जा रही है कि महिलाओं के सम्मान में कमी आई, आपने यहाँ भी अपने स्पीच में इस चीज का जिक्र किया था। देखिए, मायावती जी के खिलाफ जो शब्द है वो तो बिल्कुल बर्दाश्त से बाहर है। वो महिला विरोधी तो थी, लेकिन उसके साथ साथ वो दलित विरोधी, और एक चार बार मुख्यमंत्री के साथ इस प्रकार शब्द इस्तेमाल करना, स्पष्ट होता है कि कोई भी महिला अपने को सुरक्षित नहीं महसूस करती है। जब मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री के साथ, अभी ये लोग जो डाइवर्ट करने का प्रयास कर रहे हैं, ये बिल्कुल बिल्कुल डाइवर्जनरी है। मेन बात है बीजेपी का वाइस प्रेसिडेंट था, कौन उसको सहारा दे रहा है, क्यों नहीं बीजेपी उसको पेश कर रहे हैं और क्यों नहीं पुलिस के सामने वो पेश हो रहा है, ये मुख्य मुद्दा है। जोधपुर में चिंकारा शिकार मामले में बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान के लिए सोमवार का दिन बेहद खास साबित हुआ। हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई के बाद सलमान खान को चिंकारा मामले में सभी आरोपों से बरी कर दिया। सेशन कोर्ट से अभिनेता को 5 साल कैद की सजा मिली थी। इस मामले पर दिल्ली वालों का कहना है कि ये लोग स्टारडम का फायदा उठाकर बच जाते हैं। लोगों से बात की हमारे संवाददाता निशांत कुमार राय ने। जी हाँ, जो कानून का लीनियंसी है, जो टेक्निकल पॉइंट्स है उसके ऊपर, ये कानून के जो पैसे वाले जो वो सीनियर एक्टर्स है वो इन्फ्लुएंस करके ऐसे जजमेंट आने के लिए कोशिश कर रहे हैं, ये इसका हम कंडेम करते हैं। जो सामान्य जन पब्लिक है उनको कैसा न्याय मिलता है, जैसी तरीके से जो सीनियर एक्टर हो, जो पैसे वाले हो, उसी तरीके से न्याय मिलना चाहिए। ये बहुत गलत है, ये बहुत गलत है, हम पूरी तरह से कंडेम करते हैं, इसको अपील करने के मैं गवर्नमेंट से डिमांड करता हूँ। आज भारत के कानून में सही बात है, आज बड़े लोगों को पैसे रेस वालों के लिए आज न्याय भी अन्याय हो जा रहा है, इसको हम जनता के आम जनता से इसको कंडेम कर रहे हैं। ये पैसे रेस वाले कितने भी बड़े खिस्से करे तो भी उन्होंने बाहर आ रहे, ये पूरी जनता को दुख दिखाने की भावना है, जिसलिए हम कहते हैं कि सभी जनता को एक ही
रूल एंड रेगुलेशन रहना चाहिए, किसी भी हालत में सबको भी एक ही शिक्षा रहना चाहिए, ऐसा पैसे रहने वालों को एक जैसा, नहीं तो पॉलिटिकल बैकग्राउंड रहने वालों को एक जैसा, ऐसा न्याय रहे तो न्याय व्यवस्था पे सब पब्लिक को भी दुष्प्रचार करने के भी भावन रहता है, इसको हम सब खंडन कर रहे हैं। ना बोले तो ये कानून जो बड़े लोगों को एक अलग से अलग तरीके से देख रहे, जो जो कम वर्ग डाउन ट्रेडन में है वाले को कुछ अलग तरीके से देख रहे, इसमें डाउन ट्रेडन वाले को अन्याय हो रहा, ये कानून बड़े ऊपर वाले को न्याय उनको पैसे दे के कानून खरीद। एक्चुअली सब लोग को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक ही है, एक गरीब वाला का एक ही है और धनी का एक ही है, सब लोग को एक पनिशमेंट करे तो ये सब लोग को मालूम पड़ता, एक क्राइम करे तो सब लोग पनिशमेंट होना, ये सिनेमा एक्टर रहें दो कौन भी रहें दो, ये सो टोटल की जस्टिस टोटली इक्वल है। सलमान खान को जो पनिशमेंट दिया गया वो पनिशमेंट तो ला के मुताबिक दिया गया, मगर एक्चुअली उन्हें तो पनिशमेंट भोग रहा है, इसलिए कि इन्होंने इतना काम करके पूरा सवा बच्चों का इलाज करवा रहा हार्ट का, तो उसका पैसा पूरा बच्चों को दे रहा ना, तो उसका मतलब है उन्होंने भी एक सजा काट रहा नहीं काट रहा, क्योंकि मेरा मतलब ये है कि उन्होंने इतना हार्ड वर्क करके बाहर जो पिक्चरों में रहें दो, उसका काम रहें दो, कुछ भी रहें दो काम कर रहा, वो पैसा देश को लगा रहा, देश के बच्चों के लिए फ्यूचर के लिए लगा रहा और देश का उन्नति के कर रहा और देश का बच्चों को हैप्पीनेस देखना चाह रहा, उन्होंने लोगों का डिसीज कम ऑपरेशन के लिए जो डिसीजेस है हार्ट का उसका इलाज का जितना भी पैसा हो उन्होंने भर रहा और वो लोगों को अच्छा करवा रहा, उसका खुद का पैसा, किसी गवर्नमेंट से पैसा नहीं मांग रहा और किसी बिग शॉट से पैसा नहीं मांग रहा, खुद का पैसा उनसे उन्होंने इलाज कर रहा, इसलिए वो करेक्ट है, उनको पनिशमेंट नहीं दिए तो भी एक है, क्योंकि ऐसे लोग जो भी अपना देश के लिए उनका जो भी हार्ड वर्क करके कमाए सो पैसे देश के लिए लगा रहा है, देश के उन्नति के लिए लगा रहा है, देश के गरीबों के लिए लगा रहा है, तो ये लोगों को पनिशमेंट नहीं देना चाहिए मेरे ख्याल से। भारतीय कुश्ती महासंघ खुलकर नरसिंह यादव और संदीप यादव के बचाव में खुलकर सामने आ गया है। भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बीबी सरन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि डोप टेस्ट में पॉजिटिव पाए गए दोनों खिलाड़ियों के साथ बड़ी साजिश हुई है, दोनों पहलवान रूममेट है। डोप टेस्ट में फेल होने के बाद दोनों पहलवानों ने सच्चाई सामने लाने के लिए सीबीआई जांच की मांग की है। बीबी सरन ने कहा कि 6 जून को नरसिंह को स्पेन ट्रेनिंग करने जाना था। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सोनीपत साई सेंटर में 5 जून को खाने में छौंका लगाते समय एक शख्स ने कुछ ऐसा पदार्थ डाला जिसकी वजह से दोनों पहलवानों का टेस्ट पॉजिटिव पाया गया है। नरसिंह उन खिलाड़ियों में शामिल है जिन्हें पदक का प्रबल दावेदार माना जा रहा है। खबरों के सफर में फिलहाल उतना ही। देश दुनिया की पल पल की खबरों को हम आप तक पहुंचाएंगे एक नए अंदाज में आपके मोबाइल फोन के माध्यम से। ताजातरीन खबरों के लिए जुड़े रहिए मेट्रो टीवी से। नमस्कार।